अस्सलाम वालेकुम। अहम अपडेट से आपको आगाह करते चलें कि इसराइल ने बराह रास्त हज परवाज़ों के लिए सऊदी अरब से बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। इसराइल ने बराह रास्त हज परवाज़ों के लिए सऊदी अरब से बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल से बराह रास्त जद्दा हज फ्लाइट्स का इम्कान है। इसराइल की 18% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है और इसराइल और फ़िलिस्तीन से मुसलमान दीगर ममालिक के ज़रिए हज के लिए जाते हैं। इसराइली हुकूमत ने सऊदी अरब के हुकूमत से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है ताकि इसराइल से बराह रास्त हज परवाज़ें शुरू की जा सकें। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल से हज परवाज़ें आइंदा माह जून से अगस्त तक फाल होने का इम्कान है, जबकि सऊदी अरब ने इसराइल से हज फ्लाइट्स पर मौकफ अभी नहीं दिया। एक रोज़ कबल इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमने सऊदी अरब से दरख्वास्त की है, उम्मीद है कि हमारी दरख्वास्त कबूल होगी और सऊदी अरब के साथ अमन के सिलसिले में पेशरफ्त होगी। गुज़श्त माह एक इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सऊदी अरब का दुश्मन इसराइल नहीं ईरान है। सऊदीया ईरान तल्लुकात सऊदीया इसराइल के करीब आने का बायस बन सकते हैं।